जय जिनेंद्र। कल हमने एकेंद्रिय जीव के पर्याप्ता पर्याप्ता भेद देखे, आज उसके बाद बेइंद्रिय की पर्याप्ता पर्याप्ता की बातें होगी। बेइंद्रिय जीव में बेइंद्रिय जीव कितने भेद से, अच्छा एकेंद्रिय में वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति का है कल हुआ, अब साधारण वनस्पति का है, बादर वनस्पति का है और एकेंद्रिय जीवों की बात की थी। बादर वनस्पति का है उसमें प्रत्येक वनस्पति का है, अब हम लेंगे बेइंद्रिय जीव। बेइंद्रिय जीव कितने भेद से हैं तो उनको अनेक भेद कहा गया है। बेइंद्रिय जीव अनेक भेद से होते हैं, उनमें पुला कृमि, मैं नाम बोल रही हूँ, ये आगम के नाम है, ध्यान दीजिएगा। हम जो नॉर्मल नाम जानते हैं वो नाम शायद आपको ये नाम सुनने के बाद लगे कि ये कहाँ से है या ऐसे कौन से जीव होंगे, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझनी है क्योंकि कुछ चीज़ों का नाम जैसे हम बोलते हैं ना विभ्रंश होके बदल जाता है समय के साथ, शहर के नाम और जो जो महत्व के नाम है वो विभ्रंश होते 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 बदलते जाते हैं। हम मूल नाम को ही याद रखेंगे जो अर्धमागधी भाषा में परमात्मा ने जिस जीव को वो जीव के नाम से बुलाया है। पुला कृमि, कुक्षी कृमि, ये सारे पेट के कृमि की बात है। बेइंद्रिय जीव गंडोलग, गोलोम, नेपुरा, सोमंगलग, वंशीमुख, शुचिमुख, गोजलोक, जलौका, जालाउच, शंख, शंखनक, धुला, खुला, गुलिया, खंद, वराटा, मौक्तिक, शौक्तिक, कलुयावास, एकर्थ आवर्त, द्विधावर्त, नंदिकावर्त, शंभुक, मातृवाह, शुक्ति संपुट, चंदनक, चंदनक घो है आपको याद हो तो, वो पाटला घो चंदनक घो, समुद्र लीक्षा और उनके जैसे अनेक प्रकार के बेइंद्रिय जीव, ये सारे समूर्छिम और नपुंसक है। ये संक्षेप से दो भेद से उनको बताया है, एक है पर्याप्ता एक है अपर्याप्ता। और सब मिलके पर्याप्ता अपर्याप्ता बेइंद्रियों की 7 करोड़ जाति कुल योनि प्रमुख होती है। 7 करोड़ जाति बेइंद्रिय समा संसार समापनक जीव प्रज्ञा अपना पूरी हो गई। अब तेइंद्रिय की बात की है, तेइंद्रिय संसार समापनक जीव प्रज्ञा अपना कितने भेद से हैं तो वो भी अनेक भेद से हैं। औपयिक, रोहिणी, कुंथु, पिपलिका, डांस, उद्धई, उक्कलिया, उत्पाद, उपाड, उत्पाटक, तृणाहार, काष्ठाहार, मालुका, पत्राहार, तण बेंटीय, पत्र बेंटीय, पुष्प बेंटीय, फल बेंटीय, बीज बेंटीय, तेबुरन मिंजिया, तवोस मिंजिया, कपासठी मिंजिय, हिल्लीय, झिल्लीय, झिंगीर, किंगिरीड, बाहुक, लहुक, सुभग, सौवस्तिक, सुई बेंट, इंद्रकायिक, इंद्रगोप, तुरुतुबंग, कुच्छलवाहग, जू, हलाहल, पीसूय, शतपादिका, गोमही, हस्तीशौंड और उनके जैसे अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं उसको तेइंद्रिय संसार समापनक जीव जानना है। आपको जू पता है, अब उसके बाद आप ये जान सकते हैं जो बुक के अंदर कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, किसी भी किताब या पत्र, उसको पत्र कहा गया है, मैं बोली थी पत्र बेंटीय, ऐसे ही पुष्प बेंटीय, फूल के अंदर भी ऐसे कीड़े बनते हैं जो चलते हैं, तेइंद्रिय जीव है ये। चीटिया वो तेइंद्रिय जीव है, ठीक है। आओ, ये सारे समूर्छिम और नपुंसक होते हैं। देखो यहाँ समूर्छिम का क्या मतलब हुआ, ये समूर्छिम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाली 48 मिनट ही जिएंगे उसके बाद नहीं जिएंगे, पर्याप्त तो है ही इसमें, अपर्याप्त समूर्छिम अलग हो गया, लेकिन ये समूर्छिम का मतलब है इनका मन नहीं है। बेइंद्रिय के जीवों को भी मन नहीं था इसलिए समूर्छिम बोला है, तेइंद्रिय में भी मन नहीं था इसलिए समूर्छिम बोला है। समझ में आ रही है मेरी बात, मन रहित को भी समूर्छिम कहा जाता है।
मेरी आवाज आ रही है? जरा एक बार हाँ बोल दो कोई। हाँ, तो ये भी समूर्छिम कहे जाते हैं क्योंकि इनका मन नहीं होता, नपुंसक है। नपुंसक इसलिए है क्योंकि वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान देना, बे इंद्रिय अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, ते इंद्रिय अपने आप उत्पन्न, उनके अंडे नहीं बनते, ठीक है? उनके अंडे अंडज ऐसा कोई जीव, योनि से जीव उत्पन्न नहीं होता है उनके, इसीलिए उनको समूर्छिम और नपुंसक कहा जाता है। ये अपने आप जगह होते ही, वातावरण खड़े होते ही चींटियां अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। संक्षेप से ये दो भेद से हैं, एक है पर्याप्त, एक है अपर्याप्त। जब तक वो पर्याप्ति प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो अपर्याप्त है। ऐसे दो प्रकार के ते इंद्रिय जीवों के योनि से उत्पन्न होने वाली 8,00,000 करोड़ जाति कुल है। कितनी है? 8,00,000 करोड़। इतनी जातियां हैं, चीटी, फिर वो जो मंकोड़ा या फिर धनेरा या फिर वो कंथवा, ये सब मिलके 8 करोड़ जाति है। 8,00,000 करोड़। अब चौरिंद्रिय संसार समापन्नक जीव, वो भी अनेक भेद से हैं, जैसे कि अंधीय, पतीय, मक्षिका, माखी, मशक, कीट, पतंग, पतंगिया, ढंकुण, ढंकुण मतलब माकड़, कुक्कड़, कुक्कुह, नंदावर, सिंगी रीड, आई थिंक ढंकुण माकड़ ही होगा, नहीं तो ढंकुण कुछ और भी हो सकता है, नहीं पता। कृष्णपत्र, नीलपत्र, लोहित पत्र, शुक्लपत्र, चित्रपक्ष, विचित्रपक्ष, ओहंजलिया, जलचारिका, गंभीर, निनीय, तंतव, अच्छी रोड, अक्षीवेद, सारंग, नेऊर, दोला, भ्रमर, भरीली, जरूला, तोटा वीछी, पत्रवीछी, छाण वीछी, जलवीछी, पियंगाल, कणग, गोमय कीड़ा और उसके जैसे अनेक प्रकार के चौरिंद्रिय संसार समापन्नक जीव जानना। निनीय, तंतव, अच्छी रोड, अक्षीवेद, सारंग, नेऊर, दोला, भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरा, भरीली, जरूला, तोटा, वीछी, वीछी को भी यहाँ चौरिंद्रिय माना है, पंचिंद्रिय नहीं। पत्रवीछी, छाण वीछी, छाण में भी जो वीछी उत्पन्न होते हैं वो, जल वीछी, पानी में जो वीछी होते, पियंगाल, कणग, गोमय कीड़ा, इसके अलावा दूसरे ऐसे प्रकार के सारे चौरिंद्रिय समापन्नक जीव जानना। ये भी सारे समूर्छिम और नपुंसक है। ध्यान दो, समूर्छिम होने से उनको मन पर्याप्ति नहीं है और नपुंसक है, मतलब ये भी अपने आप उत्पन्न हो जाते, जगह देखते ही उत्पन्न हो जाएंगे ऐसे। ये भी संक्षेप से दो प्रकार से, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी, और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त चौरिंद्रिय जीवों की योनि से उत्पन्न 9,00,000 करोड़। एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, बे इंद्रिय थे 7,00,000 करोड़, ते इंद्रिय थे 8,00,000 करोड़, चौरिंद्रिय थे 9,00,000 करोड़, बराबर। इतनी इतनी उनकी जाति कुल होती है, इतने प्रकार की जाति के वो जीव होते हैं। अब पंचेंद्रिय संसार समापन्नक की बात की है, वो 4 भेद से हैं। नैरयिक, नारकी के पंचेंद्रिय संसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना, पूरा नाम मैं बोल रही हूँ, तीर्यंची योनिक पंचेंद्रिय संसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना। तीसरा है मनुष्य पंचेंद्रिय संसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना, और चौथा है देव पंचेंद्रिय संसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना। नैरयिकों के भेद कितने? तो उनके 7 भेद है। वो 7 भेद में रत्नप्रभा, नारकी, पृथ्वी, नैरयिक, फिर शर्करा प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, वालुका प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, पंख प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, धूम प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, तम प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, तमस्तम प्रभा, पृथ्वी नैरयिक, ऐसे 7-7 नारकी के 7 भेदों को अलग अलग बताया, ठीक है? और 7ों में पर्याप्त अपर्याप्तता कहे गए। 7ों में जब तक वो जीव पर्याप्तता ही है सब, लेकिन उनके जो लहू, उनके जो खून निकलता है उसमें भी अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते हैं उनके जैसे ही, और दूसरा जब तक वो पर्याप्ति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भी वो अपर्याप्त कहे जाएंगे। आओ, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक, अब उनके 3 भेद है। पहला है जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच, फिर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच और खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच। जलचर देखो, ये पंचेंद्रिय से आपको जो नपुंसक है वो नहीं मानना है,
और दूसरा समूर्छी भी नहीं मानना, ये सबके मन होंगे, ये सारे मन सहित है, क्योंकि पांचवी इंद्रिय आ गई, पांचों इंद्रिय आ जाने से मन बल अपने आप मिलेगा, पांचों इंद्रिय इकट्ठे होके ही मन बल प्राप्त होता है। तो जलचर, अब ये जलचर पंचेंद्रिय की बात की है, उनके पांच भेद मत्स्य कच्छप गाहा मगर और शिशुमार, ये पांच प्रकार के जीव है जो मत्स्य और ये सारे समंदर में मिलेंगे, जलचर मिलेंगे। मत्स्य के भी बहुत सारे भेद, मत्स्य के भी अनेक विध, जैसे कि श्लष्णा मत्स्य, खव्वल मत्स्य, जूंग मत्स्य, विझड़ीय मत्स्य, हली मत्स्य, मकरी मत्स्य, रोहित मत्स्य, हली सागर, गागर, वड़, वड़गर, गभय, उसगार, तिमीर, तिमिंगल, नक्र, तंदुल मत्स्य, कर्णिका मत्स्य, साली मत्स्य, सथीय मत्स्य, लंबन मत्स्य, पताका मत्स्य, पताका ती पताका मत्स्य, ऐसे अनेक प्रकार के और अन्य भी बहुत सारे जिसको हम आज जानते हैं, वेल मछली, शाक मछली, बराबर इस प्रकार से तब भी आगम के भी आपको पाठ में अनेक प्रकार के मत्स्य के नाम मिलेंगे। उसके बाद कच्छप के भेद, वो भी उनके दो भेद है, एक है अस्थि कच्छप, दूसरा है मांस कच्छप। फिर गाहा के कितने भेद, गाहा का मतलब वही हो जो गाहा का मतलब मगर जैसा ही उसको बोला जाता है, एग्जैक्ट मगर नहीं लेकिन उनके जैसा ही होता है, उनके कितने भेद है, पांच भेद, दिली गाहा, वेष्टक गाहा, मूर्धज गाहा, पुलक गाहा, सीमाकार गाहा। उसके बाद मगर के भेद, वो दो भेद से हैं, सौंड मगर, मठ मगर, शिशुमार, शिशुमार का भी एक ही प्रकार से भेद है जिसको शिशुमार कहा जाएगा। इसके अलावा अन्य भी मत्स्य कहे हैं, संक्षेप से उनके भी दो भेद है, एक है समूर्छिम, दूसरे है गर्भ व्युत्क्रांतिक। जो भी गर्भ से उत्पन्न होंगे वो उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले शरीर के ही हमारे जैसे 18 प्रकार के अशुचि में से जो अपर्याप्त जीव, समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं अपर्याप्त, वैसे ही ये सारे मत्स्य मगर शिशुमार में से भी उनके अशुचि में से ऐसे ही समूर्छिम भेद से जीव उत्पन्न होते हैं जो अपर्याप्त होते हैं, ठीक है। अब जो समूर्छिम है वो सारे के सारे नपुंसक है, क्योंकि वो कोई दूसरे गर्भज को उत्पन्न नहीं कर सकते, उनका तो शरीर ही नहीं है, बराबर, ये पंचेंद्रिय है इसलिए मन नहीं है, ऐसी बात तो आएगी नहीं, इनका शरीर नहीं है। अब शरीर नहीं है तो दूसरे उनके जैसे गर्भज को तो वो उत्पन्न कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए समूर्छिम जीवों को यहाँ पे नपुंसक कहा गया है। ध्यान देना, जितने भी समूर्छिम होंगे, जितने भी अपर्याप्त होंगे, सबके सब नपुंसक, क्योंकि वो शरीर से दूसरे जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। समूर्छिम जीव समय अनुसार, वातावरण अनुसार उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो नपुंसक। और जो गर्भ व्युत्क्रांतिक है उनके भी तीन भेद है, एक है स्त्री भेद, दूसरा पुरुष भेद, तीसरा नपुंसक भेद। उसमें भी ये तीन भेद आएगा, स्त्री भी आएंगे, ये मछली में या मगर में या सब में, जलचर में स्त्री जाति, पुरुष जाति और नपुंसक जाति, तीनों जाति आएंगी। इस प्रकार से पर्याप्ता अपर्याप्ता जलचर तीरिय योनिको के 12.5 करोड़, कितने सुन रहे हो, हाँ 12.5 करोड़ इनकी कुल जाति प्रमुख है अलग अलग। आपको लग रहा है कि ये समझ में मतलब कितना सरप्राइज है, जो खाली जलचर पानी के जीव की योनि कितनी, 12.5 करोड़, इतनी जगह इसके ये जीव होते हैं उत्पन्न, इतने इतने अन्य प्रकार के भी जीव होते हैं। आओ, स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक, इसके भी दो भेद है, चतुष्पद स्थलचर और तिर्यंच योनि और परिसर्प स्थलचर। देखो स्थलचर के दो भेद, चतुष्पद परिसर्प। तो जो चतुष्पद है उनके चार भेद, एक खुरा, दो खुरा, गंडी पद और स नख पद, मतलब ये एक खुरा दो खुरा अलग अलग उनके
नाखून और उनके हिसाब से उनकी योनि है, एक खुरा में कौन आएगा, एक खुरा का भी अनेक भेद, मैं नाम बोल रही हूँ, अश्व, अश्वतर, खच्चर, घोड़ा, गधा, क्षोर, गोरक्षर, कंदलग, श्रीकंदलग, आवर्तक, ये सारे प्रकार के जो प्राणी है उनकी एक खुरा होती है, एक खुरा। आपको पता है ना घोड़े का, देखो पूरा ऐसे पांचों उंगली भेगा, एक ही पैर होता है, अलग अलग उंगली नहीं होती, बराबर, उसको एक खुरा कहा जाता है। अब दो खुरे वाले की बात की है तो उसमें है ऊंट, गाय, गवय, रोज, पसय, महिष, मृग, संवर, वराह, बकरा, घेटा, रूरू, शरभ, चमर, कुरंग, गोकर्ण आदि, सबके दो खुरे होते हैं, ऐसे ऐसे ही पैर तो एक ही लेकिन ऐसे दो है, अलग अलग, ऐसे अलग अलग, ये अलग और ये अलग, इनकी खुरा ऐसी आएगी। तो ये दो खुरा हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, घोड़े की एक ही थी ऐसी, गोल घोड़े की ऐसी एक ही थी, तो दो खुरा वाले ये प्राणी हो गए। अब गंडी पद जिसको गंड स्थल होता है, गंडी पद का मतलब उसको गंड स्थल होता है, हाथी को होता है पता है गंड स्थल, ऐसे ही गंडी पद वाले भी हैं। तो हस्ती, पुयणग, मंकुण हस्ती, खड़गी, गंड, ऐसे अनेक प्रकार के दूसरे भी गंडी पद होते हैं। अब स नख पद मतलब नख सहित जिनके नाखून होते हैं, ऐसे मारने काटने के लिए नाखून होते हैं, नाखून सहित स नख पद वो है सिंह, वाघ, द्वीपी, रीछ, तरक्ष, पराशर, श्रृंगाल, बिड़ाल, शुनक, कौल शुनक, कोकंतिका, शशक, चित्रक, चल्ललग, इसके अलावा अनेक ऐसे दूसरे इसमें भी ये आ गए जो जिनको नाखून से मार के खाने का, जो जिनके पास नाखून है उनकी बात है ये। फिर है ये हो गया आपके, फिर स्थलचर की बात है, उसके भी दो भेद, ये स्थलचर की बात थी, उसके दो भेद थे, एक था समूर्छिम, दूसरा था गर्भज। तो गर्भज होगा जो उत्पन्न, तो गर्भज के ही अशुचि में समूर्छिम तो होगा ही होगा, और यहाँ आपको ये सारे पर्याप्त अपर्याप्त भी जरूर मिलेंगे। जो समूर्छि में वो सारे नपुंसक है, उनको मन बिल्कुल नहीं है। जो गर्भज है उसमें तीन प्रकार है, स्त्री गर्भज, पुरुष गर्भज, नपुंसक गर्भज, बराबर। और पर्याप्ता अपर्याप्ता इसके और डबल भेद, कुल मिला के तिर्यंच योनि के 1,00,000,000,000 जाति कुल योनि, ठीक है, इतने जाति के इनकी योनियां होती है, इतनी जाति। उसके बाद परिसर, परिसरूप आप बोल सकते हो, जो पेट से चलते हैं वो स्थलचर है, पंचेंद्रिय, तिर्यंच योनि, दो भेद से, ऊर परिसर, भुज परिसर, जो पेट से घसीट के चलेंगे और जो हाथ से ऐसे चलेंगे वो, तो ये दो भेद है। उसमें जो पेट से चलते हैं वो अही, अजगर, आसालिक, महोरग, मतलब ये सर्प योनि आ गई सब, जो ऐसे ही पेट से ऐसे गोल गोल चलेगी, और वो दो भेद से है, एक है दर्विकल, एक है मुकुली सर्प। दर्विकल सर्प अलग है, मुकुली सर्प अलग है। तो दर्विकल के भी कितने भेद है ध्यान से सुनो। दर्विकल मतलब जो पॉइजनस होते हैं, जो बड़े बड़े अलग होते हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं, उनकी बात है। अब दर्विकल के भी कितने भेद हैं, तो आशीविष, दृष्टिविष, आशीविष मतलब जिनकी दाढ़ में जहर है, दांत में जहर है, आशीविष सर्प की दाढ़ा में जहर होता है, वो डंख मारेंगे तब जहर आपके शरीर में जाएगा। उसके बाद है दृष्टिविष, तो वो दृष्टि से विष को फेंकते हैं, जैसे आपको पता था ना चंड कौशिक कैसा सर्प था, आशीविष या दृष्टिविष, दृष्टिविष, हाँ दृष्टिविष था, वो दृष्टि से ही मार देता था, दृष्टि से दूर से ही जहर फेंकता था और लोग मर जाते थे। उसके बाद है उग्रविष, उग्रविष का मतलब अभी वो एक सेकंड में आपके खून में वो उसका डंक गया नहीं और सीधे ही आप मर जाओ, वो उग्रविष होता है। फिर भोगविष, फिर त्वचाविष, खाली त्वचा पे ही लगे। फिर लालाविष, उसके लाड़ में से ही लगे, लाड़ अगर मिक्स हो तो ही लगे विष। उच्छ्वास विष, जो श्वास उच्छ्वास से विष लगाए। निश्वास विष, कृष्ण सर्प, श्वेत सर्प, काकोदर, दग्ध पुष्प, कोलाह, मैली मिंद्र, शेषेंद्र, जो शेष नाग है ना वो,
ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के जो अन्य सर्प हैं वो दर्वीकर कहा गया है। दर्वीकर जो ज्यादा पॉइजनस से ज्यादा, उसमें आपके आज के नाम अगर जानना चाहो तो वासुकी नाग, शेष नाग, पांच फणा वाला सर्प, ये सब इसमें आ जाएगा। सहस्त्र फणा सर्प, सात फणा सर्प, ये सारे अलग अलग है, स्पेशल है, इसकी स्पेशल जातियां होती है, ये सब इसमें आ जाएगा। मुकुली की नाम बताया है, मुकुली क्या है तो मैं नाम बोल रही हूँ, वो भी सर्पी है लेकिन वो बिल्कुल साधारण सर्प है, जो आपको ना डंक मारो तो भी वो मरे नहीं या आप कुछ ना हो ऐसा, तो उसके जो नाम है वो मैं बोल रही हूँ, दिव्वाग, गोणस, कसाहीय, वई, उल, चितली, मंडली, माली, अही, अही सलाग, वास पताका, ऐसे अनेक प्रकार से उसके नाम होते हैं, उनको मुकुली कहा गया है। अब बात की है अजगर की, अजगर के भी यहाँ भेद बताए हैं। अजगर तो एक ही प्रकार से, जैसे कि अजगर, फिर आसालिक, आसालिक के कितने भेद हैं, तो आसालिक के भेद बताए हैं और ये कहाँ समूर्छिम रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं। आसालिक समूर्छिम रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब आसालिक क्या है तो किसी देव की, जैसे हम बोलेंगे ना देव, अगर कोई सर्प बनना चाहे या देव सर्प बन के आ जाए तो वो आसालिक बनते हैं, क्योंकि ये समूर्छिम है, उनका शरीर नहीं होता, वो वैक्रिय होते हैं और तुरंत ही 48 मिनट में वो खत्म हो जाएंगे, बराबर। अगर कोई वैक्रिय लब्धि से सर्प की योनि की योनि उत्पन्न कर ले कुछ समय के लिए तो वो जरूर आसालिक होंगे। आसालिक मनुष्य क्षेत्र में, मतलब ढाई द्वीप में, फिर निर्व्याघात से 15 कर्म भूमि में, ये ढाई द्वीप की 15 कर्म भूमि, और व्याघात से 5 महाविदे में, ध्यान देना, व्याघात से 5 महाविदे में और निर्व्याघात से 15 कर्म भूमि। ये निर्व्याघात व्याघात कुछ समझ में आया कि समझाऊं? समझा। हाँ देखो, ये जो सर्प है आसालिक सर्प, समूर्छिम रूप से उत्पन्न होते हैं और ये समूर्छिम है, ये नपुंसक है, ये निर्व्याघात से 15 कर्म भूमि। अब 15 कर्म भूमि में जो जो सर्प है उनकी योनि, मतलब उनकी जो समूर्छिम, उनके जो हम बोलते हैं ना 18 अशुचि, अशुचि में से तो समूर्छिम सर्प आसालिक उत्पन्न होना ही कि नहीं होना है? होना है। जो आसालिक गर्भज है उनके शरीर से समूर्छिम तो उत्पन्न होंगे ही होंगे, और तो वो निर्व्याघात होंगे ना, उसमें व्याघात नहीं पड़ेगा, व्याघात मतलब निरंतर निरंतर। तो जो आसालिक गर्भज है उनके तो निरंतर रूप से समूर्छिम होते रहेंगे, क्लियर हुआ? हाँ होते रहेंगे। अब निर्व्याघातिक का मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं, कभी कभी, तो कभी कभी कब होगा, ध्यान दो, सुनो मैं बोल रही हूँ, सुनो। पांच महाविदे में चक्रवर्ती की छावनी में, अब अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पता है वो पाश बाण छोड़ा था इन्होंने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, और राम और लक्ष्मण दोनों को सर्पों ने ऐसे लपेट के रख दिया था, याद है? नागपाश, ये सारे समूर्छिम, ये सारे दैवी शक्ति से उत्पन्न होने वाले, ये देवता ही सर्प होते हैं जो समूर्छिम होते हैं, ये निर्व्याघातिक होंगे ना, रोज तो होंगे नहीं? नहीं, ये शक्ति विशेष होते हैं, नागपाश बाण छोड़ने के कारण हुआ था, तो जब तक वो उसकी असर खत्म नहीं होती, ये मंत्र की मंत्रोक्त होते हैं, जब तक वो मंत्रोक्त असर उसके ऊपर दूसरे मंत्र, या जब हनुमान गए, हनुमान जी और संजीवनी बूटी लेके आए और वो नागपाश के सारे नाग उन्होंने पाश को छोड़ दिया, मतलब अब वो अलोप हो गए, खत्म हो गए, तभी ये खत्म हो पाया, बराबर बराबर। तो ये कब होगा? पांच महाविदे में ये होते हैं, और दूसरा, पांच महाविदे में तो बहुत सारे राजा और सब है, तो वो ऐसे बाण छोड़ते रहेंगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। और उसके बाद चक्रवर्ती की छावनी में, चक्रवर्ती राजा जो लड़ाई करते हैं और सामने वाले चक्रवर्ती, ये वासुदेवी थे ना, वासुदेव, बलदेव, मांडलिक, महामांडलिक की छावनी में, अब ये राम और लक्ष्मण वासुदेव बलदेवी थे ना, हाँ, तो उनकी छावनी में ऐसे निर्व्याघातिक होंगे। अब समझ में आ गया निर्व्याघातिक? हाँ। महामांडलिक, मांडलिक कोई भी राजा की छावनी में होगा, क्योंकि राजा सभी ऐसे तीर, मंत्रोक्त तीर चलाते ही है, जिससे ये नागपाश निकलेंगे और ये आसालिक
उसको बोला जाता है और वो सामने वाले व्यक्ति को अपने अंदर जकड़ ले। आओ तो गाम नगर खेड़ करबट मडम्ब द्रोणमुख पट्टन आकर आश्रम संबाद राजधानी ये सारा जो मैं नाम बोली ना जैसे हमारा तालुका जिला पंचायत सब होते कि नहीं राज्य देश इस प्रकार से विभाजन है लेकिन ये पहले के नाम इसमें एक राजधानी फेमस है आपको बाकी नहीं गाम नगर आप जानते हो बस गाम नगर से खेड़ करबट से राजधानी तक मतलब गांव सबसे छोटा हुआ फिर दूसरे नगर तीसरा खेड़ चौथा करबट पांचवा मडम छठा द्रोणमुख सातवा पट्टन आठवा आकर नौवा आश्रम दसवा संबाद और ग्यारहवीं राजधानी मतलब ये एक पूरा स्टेट बनते बनते ग्यारह अलग अलग तालुका में ये बटेगा समझ में आया। हाँ हमारे में है अभी आज भी नगर पालिका महानगर पालिका ऐसे 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 ये बढ़ता है पहले वार्ड है ना अभी अपने यहाँ वार्ड है ना वार्ड चलता है ना वार्ड के ही आपको एक 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 इलेक्शन में चूट चूट के आप आगे भेजते हो। आओ ये सारे आसालीक समूर्छिम रूप से उत्पन्न होते हैं ये जघन्य मतलब अगर सबसे छोटे होंगे तो अंगुल के असंख्यात में भाग और अगर उत्कृष्ट अगर ये आसालीक यही समूर्छिम रूप में होंगे तो कितने पता है 12 योजन मतलब पूरी अयोध्या नगरी जैसे एक एक सर्प आसालिक सर्प पूरी अयोध्या नगरी आप समझ सकते हो कितना बड़ा समझ सकते हो। अब 12 योजन को अगर मैं बताऊं तो अयोध्या से लेके अष्टापद तक कितना बड़ा आसालिक होगा एक बहुत बड़ा। हाँ कितना बड़ा होगा ये आसालिक असंगनी ये बिल्कुल असंगनी होते हैं क्योंकि वो शरीर तो है ही नहीं है समूर्छिम जीव है मिथ्या दृष्टि असंगनी तो है ही संगना बुद्धि नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि तो है ही वो क्योंकि ये सम्यक दृष्टि जीव असंगनी में जाएगा ही नहीं ये अब यहाँ पे ध्यान रखो ये आपको बहुत बड़ा मुद्दा मिला है असंगनी मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी ही मिलेंगे असंगनी कभी भी सम्यक दृष्टि और ज्ञानी कभी नहीं मिलेंगे बोलो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं बताओ। अगर सम्यक दर्शन आ गया आपको तो अब भव गिनती या बहुत कम हो जाएगी कर्म कर्म आपके ऊपर अशुभ कर्म की चढ़ना ही बहुत कम हो जाएगा तो अब आपको असंगनी या समूर्छिम में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी आपको आप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर हम मिथ्या दृष्टि को ही निकाल देना तो हम बहुत से संसार के चक्र से बाहर आ सकते हैं कि नहीं बताओ। हाँ और अंतर्मूत की आयु पूर्ण करके खत्म होने वाले ऐसे ये आसालीक होते हैं। अब महोरग की बात की है महोरग कितने भेद से हैं तो वो अनेक भेद से हैं। महोरग ये भी महा उरग का मतलब है सर्प और महासर्प ये भी महा महासर्प होते हैं जैसे ये आसालिक अजगर बड़ा बड़ा 12 योजन का एक आसालिक बताया ना आपको तो बड़ा ही अजगर हुआ ऐसे ही महोरग भी अनेक भेद से कुछ कुछ अंगुल प्रमाण कुछ अंगुल पृथकत्व अलग अलग वेद पृथकत्व अंगुल पृथकत्व हाथ जितने कुक्षी जितने धनुष पृथकत्व गाँव पृथकत्व योजन पृथकत्व 100 योजन आप समझ सकते हो 100 योजन और 1000 योजन सहस्त्र योजन पृथकत्व महोरग होते हैं। अब ये बताओ कि जो आपने वो सुना था शेषनाग तो ये 1000 योजन 1000 योजन का शेषनाग हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है जो स्थल में वो जन्मेंगे जल में या स्थल में ही घूमेंगे बाहर के द्वीप समुद्र में ही इतने बड़े बड़े होंगे कहाँ पे होंगे ये बाहर के द्वीप समुद्र इतने बड़े बड़े महोरग और सर्प तो 5000 योजन का भरत क्षेत्र में कहाँ से आएगा बताओ भरत क्षेत्र खुद ही तो 550 योजन का है 525 का हाँ। अब उसमें 1000 योजन का तो महोरग आ नहीं सकता
नहीं। हाँ, तो ये बाहर के समुद्र में मिलेंगे, लवण में मिल सकते हैं, दूसरे पर्वतों पे मिल सकते हैं, और यहाँ भी मिल सकते हैं ये, जैसे हरिवर्ष क्षेत्र और उसमें भी मिल सकते हैं ये, क्योंकि इतने बड़े 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 तो वही होंगे ना जो युगलिक होते हैं, वही होंगे ना, युगलिक के समय के ही मोहरक ऐसे ही बड़े होंगे ना। हाँ, आओ। परी सर्प जो पेट से चलने वाले स्थलचर भी दो भेद से समूरचिम और गर्भज, ये तो आपको बता दिया है, परी सर्प तो गर्भज होते हैं, गर्भज के ही समूरचिम जन्म लेते हैं, उनकी अशुचि में जितने समूरचिम है वो सारे नपुंसक है, और गर्भज के तीन भेद है, पुरुष गर्भज, स्त्री गर्भज और नपुंसक गर्भज। ऐसे प्रकार के पर्याप्ता अपर्याप्ता उर परिसर्प 10,00,000 करोड़ जाति कुल योनि प्रमुख के मिलेंगे। 10,00,000 करोड़, कितने? 10,00,000 करोड़। 10,00,000 करोड़, यस। तो इस प्रकार से ये उर परिसर्प हुए। अब भुज परिसर्प की बात की है, उसके कितने भेद? तो अनेक भेद। भुज जो हाथ से चलने वाले, तो नकुल सबसे पहले नोड़िया कैसे चलता है वो, हाथ हाथ और पैर, उसके आगे के हाथ दो हाथ है, वो कभी कभी बैठ जाता है, बराबर। गाय की तरह नहीं है, गाय दो पैर से नहीं चल सकती, लेकिन नोड़िया दो पैर से चल सकता है, खिसकोली दो पैर से चल सकती है, बराबर। यस। तो नकुल, सेहा, काकीड़ा, शल्य, सरंट, सारा, घोर, घरोली, विश्वंभर, मूषक, मूषक मतलब चूहा, मंगूस, वो भी दो पैर से चलेगा, प्रचलायित, क्षीर विला विरालीय, जोहा, चतुष्पादिका, ऐसे अनेक प्रकार के कहे हैं, उसमें भी दो भेद है, समूरचिम और गर्भज। समूरचिम सारे नपुंसक है और गर्भज है, उसके तीन भेद है, स्त्री पुरुष और नपुंसक, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्याप्ता अपर्याप्ता भुज परिसर्प की 9,00,000 करोड़ जाति, 9,00,000 करोड़ जाति के भुज परिसर्प होते हैं। आओ, अब खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंजोनी की बात की है, वो चार भेद से हैं, चर्म पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र गक पक्षी और वीतत पक्षी। चर्म पक्षी के दो अनेक भेद हैं, चर्म मतलब चमड़ी, चमड़ी वाली पांख, जिसकी पांख चमड़ी वाली है, जिसकी पांख रू वो पीछी वाली है वो नहीं, लेकिन चमड़ी वाली है। तो आपको ये पता है चामा चिड़िया तो होता ही है, बराबर। वागुली, जलोया, अडिल्ला, भारंड पक्षी, जीवम जीव, समुद्र वायस, कन्नतिया पक्षी, विरालिका, ऐसे अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ ग्रहण करना है आपको। मैं यहाँ भारंड पक्षी के मामले में बताती हूँ, ये भारंड पक्षी ऐसा होता है जो हाथी को भी अपने पैरों में ऐसे पकड़ के उठा के लिए जाता है, हाथी को। तो आप समझ सकते हो, हाथी को उठाने वाला पक्षी खुद, उसकी हड्डियां कितनी मजबूत होगी, उसके पंख कितने विशाल होंगे, आपको समझ में आ रहा है? जितने विशाल पंख होंगे उतना ही वो वजन वाली व्यक्ति को उठा पाएगा ना। आज ये बोइंग विमान जो उड़ते हैं, उसकी पंख लंबे लंबे हैं, विमान बड़ा है, तभी अंदर 350 लोगों का वजन उठाता है, बराबर। और ऊपर से सामान, माल सामान, टोटल 500 लोगों का वजन अगर वो उठा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी 50,000 किलो उठाने की हो गई, तो उसकी पांख कितनी लंबी हो सकती है, सोच सकते हो आप? भारंड पक्षी की पांख और उसकी अंदर की अपनी शक्ति कितनी ज्यादा होगी, आप समझ सकते हो, बराबर। भारंड तो उससे भी अलग, बाज गरुड़ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाज गरुड़ हाथी को नहीं उठा पाएंगे, उठा पाएंगे? इंद्रज वैक्रिय स्वरूप थी करे ने, हाँ, ब्राह्मण स्वरूप नु इंद्रज वैक्रिय वैक्रिय रूप करे, नहीं नहीं नहीं, वो तो जो वैक्रिय रूप करेंगे वो गर्भज कहाँ से होगा, ये तो गर्भज की बात है, ये तो गर्भज की बात हो रही है, खेचर की। खेचर पक्षी है, पंचेंद्रिय तिर्यंजी योनि के खेचर पक्षी, और ये गर्भज ही होते हैं।
वैक्रिय तो नहीं हुए ना, हाँ होयज। आप आगे 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 जाओगे ना, खाली ये जैसे ढाई द्वीप के बाहर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आज ढाई द्वीप के बाहर 1000 योजन की मछली मिल रही है, तो पक्षी कैसे होंगे वहाँ के बताओ, कैसे होंगे? हाँ, और मैं तो ये ढाई द्वीप के बाहर की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर के पक्षी तो मिले, लेकिन सबसे पहले जो जब हमारे जो 30 अकर्म भूमि है और वहाँ भी वाघ सिंह पक्षी भारंड सब है, तो वहाँ जब आदमी ही 3 गांव की काया वाला है, जैसे कि ये जो 2 जगह है ना, उत्तर कुरुक्षेत्र और दक्षिण कुरुक्षेत्र, बराबर उत्तर कुरु दक्षिण कुरु में 3 गांव की काया वाले लोग हैं, तो पक्षी कितने बड़े होंगे? बहुत बड़े। तो आज हमारा गरुड़ वहां पे भारंड ही होगा ना, हमारा गरुड़ वहां का भारंड होगा कि नहीं? हम आज 5 फुट के हैं, तो वहां के इंसान 3 गांव की काया वाले हैं, तो यहाँ का गरुड़ वहां का भारंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो उसकी ताकत कितनी है, दूर जाना ही नहीं है, बिल्कुल नजदीक में ही जाओ। और यही पक्षी हमारे हमारे यहाँ पहले आर्य में भी वही थे ना, भरत क्षेत्र के पहले आर्य में। अब आपको समझ में आ रहा है कि भरत क्षेत्र आज छोटा है लेकिन तब छोटा नहीं होगा? अब समझ में आ रहा है, तब अगर इतना छोटा होता तो इतने बड़े बड़े पक्षी यहाँ रहते नहीं रह पाते? तब 3 गांव की काया वाले लोग थे और वृक्ष में रहते थे, वृक्ष के अंदर कल्प वृक्ष में उनके घर थे, तो वृक्ष कितना बड़ा होगा सोचो, कल्प वृक्ष कितना बड़ा होगा? जब इंसान 3 गांव का था, इंसान 3 गांव का था, तो वृक्ष कितना बड़ा होगा? तो वहां के अंदर के पक्षी कितने बड़े होंगे, आप समझ सकते हो? तो तब आसालीक सांप महोरग या खेचर या पक्षी जो उड़ने वाले भारंड पक्षी, भारंड ही होंगे ना, तब तो इतना ही बड़ा होगा ना, बताओ हाथी को उठा सकता होगा ना वो? बस यही भरत में भी थे, वो काल में आ जाएंगे वापस, पहले आरे में वो वापस आ जाएंगे। चलो मैं आगे जाती हूँ। अब खेचर, हाँ चर्म पक्षी हो गया, इनकी पांख चमड़े की होती है इसीलिए उनमें इतनी ताकत है, आपको ये ध्यान देना है। अब रोम पक्षी क्या है, उनके पीछे होते हैं, उनकी पांख पीछा की होती है, जैसे कबूतर। अब कबूतर कोई चीज को उठा के उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा वो, कोई अगर कोई थैली या बॉक्स भी होगा तो वो नहीं उठा पाएगा। खाली पेपर की चिट्ठी लेके जाता था, वो भी गले में लटकाते थे तब, और ज्यादा से ज्यादा वो झाड़ की सली लेके आएगा उसके माड़ बनाने के लिए, उससे ज्यादा वो नहीं उठा पाएगा कुछ भी। तो रोम पक्षी में ढंक, कंक, कंक का मतलब कौआ, कुरल, वायस, चक्रवाक, हंस, कलहंस, राजहंस, पायहंस, आड़, सेठी, बगला, पारिप्लव, कौच पक्षी, सारस पक्षी, मेसर, मसूर, मयूर पक्षी, सप्तहस्त, गहर, पुंडरिक, काक, कामिंजूय, वंजू, लय, लग, तेतर, बतक, लावक, कपोत, कपोत मतलब कबूतर, कपिंजल, पारेवा, चकला, चास, कुकड़ा, शुक, शुक मतलब पोपट, मोर, मदनशलाका, कोकिल मतलब कोयल, सेह, वरिल, लग इत्यादि। समझ में आ गया? अब आप सोच सकते हो कि आज इसमें से कितने पक्षी बचे हैं, बोलो। चकली और उनकी जाति आज दिखाई भी देती है आपको? नहीं। पहले देव चकली देखते थे, याद है हम? आज ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब समुद्र गक पक्षी ये तो एक ही है और ये बाहर के द्वीप समुद्र में ही मिलते हैं। वितत पक्षी ये भी एक ही प्रकार का है और बाहर के समुद्र में ही मिलते हैं।
आओ। इस प्रकार से रोम पक्षी, समुद्गक पक्षी, वितत पक्षी कहे। खेचर पक्षी संक्षेप से दो भेद से, एक है समूरछिम, दूसरा है गर्भज। उसमें जो समूरछिम है वो सारे के सारे नपुंसक, और जो गर्भज है वो स्त्री पुरुष और नपुंसक, तीन भेद से हैं। ठीक है, इस प्रकार से पर्याप्त अपर्याप्त खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की 12 करोड़ जाति कुल योनि प्रमुख होते हैं। आपको पता है यहाँ एडिशनल क्या मिल रहा है? पक्षी वक्षी जान लिए क्या है, लेकिन ये पक्षी कौन से पक्षी कहाँ मिलेंगे ये आपको एडिशनल मिल रहा है। समझ में आ रहा है? पहले आपने नाग और सबकी, आपको खाली पंचेंद्रिय में सर्प आया, लेकिन इसमें सर्प की कितनी जाति आई? आई ना ज्यादा समझने की? हाँ चलो, अब यहाँ शॉर्ट में फिर से बताया है कि बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तिर्यंच तक अनुक्रम से 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, 12.5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ और 12 लाख करोड़ जाति कुल। ये सारे मैं नंबर बोल रही हूँ, वो लाख करोड़ मानना है, ये जाति कुल उनके जाननी है। इस प्रकार से आपका खेचर पंचेंद्रिय और तिर्यंच हुए। बोलो कोई प्रश्न है? हाँ नहीं, ठीक है चलो। हाँ चलो अब आगे जाएंगे। अब आगे बताया है मनुष्य के भेद, पंचेंद्रिय मनुष्य, उसके भी दो भेद हैं, एक है समूरछिम और दूसरा है गर्भ व्युत्क्रांतिक, मतलब गर्भज, गर्भज और समूरछिम। तो समूरछिम मनुष्य के भेद कितने हैं और कहाँ समूरछिम समूरछित कहाँ होते हैं? 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप और समुद्र में 15, कर्म भूमि में 30, अकर्म भूमि में और 56 अंतर द्वीपों में गर्भज मनुष्य की जो भी मल मूत्र आदि 18 असूचि होती है उसके अंदर, जैसे कि उनके मल, फिर मूत्र, फिर कफ, नाक का मैल, वमन, पित्त, परु, लोई, वीर्य, शुक्र पुद्गल का त्याग में, परित्याग में, जीव रहित क्लेवर में, स्त्री पुरुष के संयोग में, नगर की खाड़ में, 12, 13 सर्वे अशुचि स्थानों, मतलब ऐसे 14 स्थान हो गए। ये कितने हुए? 14 है, मैं भूल गलती से 18 बोल रही हूँ। कितने है असूचि के स्थान? 14 है। हाँ, ये 14 स्थानों में ये समूरछिम जीव उत्पन्न होते हैं। और जहाँ जो मनुष्य का, समझो कि मेरा मल मूत्र नगर की खाड़ में चला गया है, तो वो खाड़ में अगर मेरा मल उसमें मल होगा तो मेरे ही जैसा समूरछिम होगा, अगर कोई किसी और का होगा तो उसके जैसा समूरछिम होगा। अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण अवगाना से ये उत्पन्न होते हैं। असंगनी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, सर्व पर्याप्ति से अपर्याप्त है, और ये अंतर्मुहूर्त ही आयु है इसकी। समझ में आ गया? समूरछिम जीव हमारे ही 14 अशुचि में से, ये हमारे ही गर्भज जीव के ही 14 अशुचि से जब ये समूरछिम जीव उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताया है। और ये तो हमारे पास तो इसके लिए कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को खाने पीने से या मल मूत्र त्याग से तो रोक नहीं पाएंगे ना। नहीं, हमारे सांस लेने से, नाक के मैल से, कफ से, ये सब में तो होगा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। आओ, अंगुल के असंख्यात, हाँ हो गया। गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य, अब गर्भज मनुष्य कहाँ है? गर्भज गर्भ से उत्पन्न होने वाले, तो उसके तीन भेद है, कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक और अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप के मनुष्य अलग है, कर्मभूमिक अलग है और अकर्मभूमिक अलग। आगे जाएंगे, अंतर्द्वीप के मनुष्य के भेद कितने हैं? तो उनके 28 भेद है। 28 भेद क्यों? क्योंकि अंतर्द्वीप ही 28 है। अगर अंतर्द्वीप 28 होंगे तो उनके भेद भी 28 होंगे। तो मैं उनके नाम एक बार बोल रही हूँ, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसा नाम है वैसे वो मनुष्य का आकार। जैसे कि उल्का मुख, तो उनका मुख कैसा हुआ? बिजली के जैसा, आग जैसा हुआ। ये समझ में आया?
अश्वमुख, हाँ। तो उनका मुख अश्व जैसा होगा, घोड़े जैसा होगा, हस्ती मुख तो हस्ती जैसा, तो ये बोलना जरूरी है। मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, 28 नाम है। एकोरुक, आभासिक, वैशाणिक, नांगोलिक, हयकर्ण, गजकर्ण, गोकर्ण, शशकुलीकर्ण, आदर्श मुख, मेंढ मुख, अयोमुख, गोमुख, अश्वमुख, हस्तिमुख, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, अश्वकर्ण, हरिकर्ण, अकर्ण, कर्ण प्रावरण, उल्कामुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, विद्युदंत, धन दंत, लष्ट दंत, गुड़ दंत, शुद्ध दंत। ठीक है, ऐसे 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 उनके आकार होते हैं, उनके विशेषण के हिसाब से उनको ये नाम दिया गया है। अकर्म भूमि के कितने भेद? उनके 30 भेद। अब अकर्म भूमि कहाँ कहाँ है तो मैं बोल रही हूँ, फिर आप याद रख लेना। पांचों हेमवत पर्वत, हेमवत पर्वत आपको मालूम है ना, एक जम्बूद्वीप का और दो घातकी खंड के और दो अर्ध पुष्कर के, तो पांच हो गए बराबर। पांच हेमवत पर्वत, पांच हिरण्यवंत पर्वत, पांच हरिवर्ष पर्वत, पांच रम्य क्षेत्र रम्य वर्ष पर्वत, पांच देवकुरु पर्वत, पांच उत्तर गुरु पर्वत, ऐसे छः, एक क्षेत्र की छः कर्म भूमि, तो ढाई द्वीप के सभी क्षेत्र की मिला के 30 अकर्म भूमि हुई। ठीक है, ये 300 अकर्म भूमि है। अब कर्म भूमि की बात की, कर्म भूमि के 15 भेद, क्योंकि 15 ही कर्म भूमि है, तो 15 कर्म भूमि कैसे हुई, तो पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच महाविदे, बरोबर। अब 15 कर्म भूमि के जो मनुष्य है उसके भी दो भेद, कैसे दो भेद, तो एक है आर्य, दूसरा है म्लेच्छ प्रजा, एक है आर्य प्रजा, दूसरी है म्लेच्छ प्रजा। क्यों? क्योंकि 15 कर्म भूमि में भी आर्य भूमि अलग है ना, हाँ आर्य भूमि अलग है। अब आर्य भूमि 15 कर्म भूमि में जो आर्य भूमि है वो छोड़ के जो म्लेच्छ भूमि है वो कोई अकर्म भूमि तो नहीं है, वो अकर्म भूमि है नहीं, नहीं वो अनार्य भूमि है। बात समझ में आई? उसको क्या कहोगे आप? हाँ। अनार्य भूमि या म्लेच्छ भूमि, म्लेच्छ प्रजा नहीं तो अनार्य प्रजा, ठीक है, उसको अनार्य भूमि कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दो भेद मिले, आर्य भूमि, आर्य आर्य और म्लेच्छ प्रजा, आर्य मनुष्य, म्लेच्छ मनुष्य। आर्य का तो एक ही भेद हुआ, आर्य का कोई दूसरा भेद नहीं है, बराबर। लेकिन जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ मतलब जो ऐसी जाति जिसको अनार्य कहेंगे, जिसमें आर्य संस्कृति नहीं है, जिसमें आर्य संस्कार नहीं है, वो उनके अनेक भेद है। वो जाति के मैं नाम बोल रही हूँ, ये नाम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ही 25.5 देश के आसपास के बाकी के क्षेत्रों में ये जाति मिलेगी ही मिलेगी। मैं उसके नाम बोल रही हूँ, वो आप सुनो, उसके जो नाम है आर्य है उसका तो एक ही भेद, लेकिन म्लेच्छ के अनेक भेद है जो हमें हमारे आसपास की जाति में मिलेगी ही मिलेगी। मैं उसका नाम बोल रही हूँ, सुनो। जो म्लेच्छ प्रजा है, अनार्य है, उसका नाम है शक, यवन, चिलात, शबर, बर्बर, मुरुडोड, भड़ग, निनग, पकणीय, कुलक्ष, गोंड, सिन्हल। ये सिन्हल से याद आया, सिन्हल देश, सिन्हल प्रजा, श्रीलंका याद आ रहा है आपको? हाँ। फिर पारस, घोद, कौंच, अंबड़, अंबड़ भी एक जाति है, पता है ना, इदमिल, चिल्लात, चिल्लात, शबर, शबर जाति, वो शबरी भील थी ना, याद आया? फिर पुलिंद, हारोस, डोव, वोकान, गंधाहारग, पहली, अजहल, रोमपास, पौस, मलयाय, बंधुयाय, सुयली, कोंकणग, कोंकण भी है ना, कोंकण प्रजा है, कोंकण एरिया है, मेय, पल्हव,
मालव, मालव भी देश था, मालव की भी अलग राजधानी है, मालव की भी जाति है, बराबर। मगर, आभासीय, नक, चीन, लसीय, खस, घासीय, नहर, मोंड, डोंबीलग, लओस, पओस, कके, अखाग, हूण। हूण देश पता है ना, अरब का देश को हूण बोला जाता है, मालूम है। रोमग, रोम देश पता है ना, रोमन प्रजा मालूम है। हाँ, ये सारे म्लेच्छ प्रजा है, वो आर्य संस्कार वाले नहीं है। उसके बाद ये चीन, चीन का मतलब चाइना, चीना हो, समझ में आया। चीन देश और वहां के ऐसे नॉनवेज और वो खाने वाले देश कभी आर्य हो सकते हैं, सोचो आप। भरू, भरूई और चिलात, इतनी इतनी जाति के नाम है, और इसमें से बहुत सारी जातियों को हम जानते हैं। दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन हो रहा है, कर लो। पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, दर्शन कर लो। थैंक यू दक्षा। तो ये 18 जाति जो म्लेच्छ जाति, 18 तो नहीं पर बहुत सारी ऐसी जातियां आ गई म्लेच्छ प्रजा, जिसके मामले में आपने नाम और सब सुना। आगे जाएंगे। अब जो आर्य की बात की है, उनके भी आर्य मनुष्य तो आर्य एक ही है, लेकिन भेद उनके दो है। मतलब आर्य में भी दो प्रकार के मिलेंगे, एक है रुद्धि प्राप्त आर्य, एक है अनरुद्धि प्राप्त आर्य। मतलब कुछ आर्य ऐसे होते हैं जिनको रुद्धि मिली है, जिनको आयु भी फिक्स मिला है, जिनकी सांसें घटती नहीं, जिनकी शक्तियां घटती नहीं, ऐसे कितने हैं पता है? 63 साला का पुरुष, उनका आयु अपने आप क्षीण कभी नहीं होगा, जितनी सांस लिखी है वो उनकी पूरी करनी करनी है, बराबर। किसी में 1000 हाथी का बल, किसी में 500 हाथी का बल, तो ये उनकी शक्ति हुई। तो ये क्या सभी आर्यों के जैसे इसको मान सकते हैं हम ना? इनको रुद्धि प्राप्त मानेंगे ना हम? मानना पड़ेगा कि नहीं? तो रुद्धि प्राप्त आर्य के 6 भेद, आर्य रिद्धि प्राप्त आर्य के 6 भेद, एक है अरियंत, दूसरा चक्रवर्ती, फिर बलदेव, फिर वासुदेव, फिर चारण मुनि और विद्याधर देव। तो ये सारे जो 6 हैं वो रुद्धि प्राप्त है, वो जब भी चाहे अपनी मर्जी से रिद्धि से अपने अपनी शक्ति और उससे शक्ति का प्रयोग करके अच्छे अच्छे काम को वो अंजाम में ला सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अरियंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण मुनि और विद्याधर ही बोले हैं, प्रति वासुदेव को नहीं लिया है, समझ में आया? क्योंकि उसको आर्य नहीं कहा जाएगा, उसको आर्य नहीं कहा जाएगा। प्रति वासुदेव की मति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, वो बिल्कुल अनार्य ही है, वो म्लेच्छ ही होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। उनको सम्यक दर्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनको नियमानारकी में जाना होता है, वो नियमानरक गति में जाए। हाँ, बलदेव नियमा मोक्ष में, नियमा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोक्ष में ही जाएंगे, ज्यादातर मोक्ष में ही जाएंगे। हाँ, बलदेव जाते हैं, वासुदेव को हाँ बस, तो नियमा, वो नियमा मोक्ष में जाएंगे। और ये जो है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ने जिन्होंने दीक्षा ले ली, संयम अंगीकार कर लिया, सब छोड़ दिया तो मोक्ष है, नहीं छोड़ा तो वो भी नरक में जाएंगे। वासुदेव को तो नियमा नरक में ही जाना है, वासुदेव को नियमा नरक में ही जाना है, प्रति वासुदेव भी नरक में जाएंगे। वासुदेव कभी भी छोड़ नहीं सकते, चक्रवर्ती तो दीक्षा भी ले सकते, लेकिन वासुदेव कभी दीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन ये 6 के 6 आर्य है, प्रति वासुदेव आर्य नहीं है। तो शांतिनाथ भगवान अगर बलदेव, हाँ शांतिनाथ भगवान बलदेव, बलदेव छे के चक्रवर्ती छे? ना, 2 बार चक्रवर्ती, 1 बार तीर्थंकर ना पुत्र,
એક વાર બધાયો અચ્છા અને પછી ચરમ ભવિ અને બધા જ ભાવમાં એટલે દીક્ષા ધારી અમે. હા હા ચલ खाली तो बलदेव हाँ तो फिर बलदेव कहाँ से नियम मोक्ष जाएंगे फिर वो नहीं गए ना चरम भवि में तो तीर्थंकर बने हाँ तो बलदेव नियम मोक्ष नहीं जाते फिर नियम मोक्ष नहीं आएगा या फिर वो बलदेव बने नहीं होंगे इंक्वायरी करना अच्छा हाँ पूछना ठीक से ये भी हो सकता है नहीं तो अगर बलदेव होते तो बलदेव नियम मोक्ष नहीं जा सकते फिर बलदेव बहुत सरल नहीं वो अलग बात है वो सरल है वो अलग बात है लेकिन नियम मोक्ष नहीं जाएंगे नियम मोक्ष जाते तो तीर्थंकर का भव मिलता नहीं सरल हाँ नहीं 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 जाते नहीं जाते ठीक है चलो आगे जाएं मेरे ख्याल से ये कृष्ण वासुदेव के बड़े भाई बलदेव भी मोक्ष नहीं गए कृष्ण वासुदेव के बड़े भाई बलदेव भी मोक्ष नहीं गए चलो आगे हाँ देवलोक जता देवलोक जाए चलो आगे तो ये छह भेद से रुद्धि प्राप्त आ रहे हैं उसमें हाँ उसमें प्रति वासुदेव नहीं आते हैं इसमें प्रति वासुदेव नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं नियम आप नियम मत डालो दक्षा क्योंकि राम गए हैं मोक्ष हाँ तो हर एक चीज में नियम मत डालो क्योंकि बलदेव अगर मोक्ष नहीं जाए नियम देवलोक ही जाए हाँ फिर राम तो गए ही है मोक्ष वो तो पता है हमको हाँ हाँ तो हर एक चीज को अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच रहे हैं अगर आया आगम में तो मानेंगे नहीं तो नहीं अब आओ अनुरुद्धि प्राप्त की बात की है रुद्धि रुद्धि प्राप्त आर्य छह भेद से थे अनुरुद्धि प्राप्त आर्य नौ भेद से है कितने नौ भेद उसके अब मैं नाम बोल रही हूँ क्षेत्र आर्य जाति आर्य कुल आर्य कर्म आर्य शिल्प आर्य भाषा आर्य ज्ञान आर्य दर्शन आर्य और चारित्र आर्य ये तो हमने पढ़ लिया याद आ गया ये सब पढ़ लिया था याद आ गया तो ये जो आपने पहले पढ़ा जो भी दर्शन आर्य चारित्र आर्य ये सारे अनिरुद्धि प्राप्त आर्य मतलब ये हम लोग जैसे सामान्य मनुष्य है उसमें से किसी मनुष्य को क्षेत्र से आप आर्य हो कोई जाति से आर्य है कोई कुल से आर्य है कोई कर्म से है कोई शिल्प से है मतलब अपने अपने करणी से है कोई भाषा से है कोई ज्ञान से है कोई दर्शन प्राप्त करके कोई चारित्र प्राप्त करके ठीक है अब क्षेत्र आर्य के कितने भेद ये भी हमने कर लिए थे फिर भी अभी आया है मैं बोल रही हूँ क्षेत्र आर्य के 25.5 भेद है जो नाम है उसमें अब यहाँ जो मैं नाम बोलने जा रही हूँ ध्यान से आपको सुनना है मैं मेरा बोलना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ राजधानी के साथ उसके नाम आएंगे जो 25.5 आर्य देश है वो राजधानी के साथ में नाम बोलने जा रही हूँ तो राजगृही नगरी मगध देश चंपा नगरी अंग देश ताम्रलिपि नगरी बंग देश कंचनपुर नगरी कलिंग देश वाराणसी नगरी काशी देश साकेत नगरी कौशल देश गजपुर नगरी कुरु देश शौर्य नगरी कुशार्त देश काम्पील्य नगरी पंचाल देश अहिछत्रा नगरी जंगल देश द्वारावती नगरी सौराष्ट्र देश मिथिला नगरी विदेह देश वत्स नगरी कौशाम एक मिनट वत्स नगरी कौशाम्बी देश नंदीपुर नगरी शांडिल्य देश बद्देलपुर नगरी मलय देश वराट नगरी वत्स देश वरण नगरी अच्छा देश मृतिकावती नगरी दशाण देश चेदी नगरी शौतिकतावती देश सिंधु सौवीर नगरी वितभय देश मथुरा नगरी शूरसेन देश पापा नगरी भंग देश पुरावर्त नगरी माशा देश श्रावस्ती नगरी कुणाल देश कोटिवर्ष नगरी लाट देश श्वेतांबिका नगरी कैकेयार्ध देश ये मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा
चैत्य वंदन में स्तवन में जो जो भगवान हुए हैं उनके जन्म के साथ ये नगरी का नाम आता है। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक में काशी देश वाराणसी नगरी याद है ना, तो मैं नाम नगरी का इसीलिए बोली हूँ, नाम में नगरी का इसीलिए बोली हूँ कि आपको ये पता चले कि हाँ ये नगरी का नाम ये भगवान के समय में इस राजधानी में नाम जरूर आया। ठीक है, तो ये जो 25.5 आर्य देश थे और वो 25.5 आर्य देश की जो भी हमें ये जिस प्रकार से हम इसकी नगरी और उसकी राजधानी और वहाँ वहाँ आर्य देश, क्योंकि ये सारे के सारे आर्य देश है तो ये नगरी के नाम भी आर्य देश ही होंगे। 25.5 देश आर्य देश और उसकी राजधानी। अब मैं आगे बोलूँगी कि ये जो नाम बोले गए थे, जो राजधानी और जो जगह का नाम बोला गया 25.5 आर्य देश, इसी देश के अंदर महारुद्धि प्राप्त ऐसे बलदेव वासुदेव चक्री जीन पर तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती की उत्पत्ति होती है। ये सारे आपको ये जगह छोड़ के और कहीं भी उत्पन्न नहीं हो सकते। ओके, अब जाति आर्य के कितने भेद, उनके 6 भेद है, अम्बष्ट कलिंद विदेह वेदग हरित चुनचुन, ये 6 इभ्य जाति है। कुल आर्य के भेद भी 6, उग्रकुल भोगकुल राजन्यकुल इक्ष्वाकुकुल गनाथकुल कौरविकुल। कर्मार्य के भी अनेक भेद है, दौशिक कर्म सौत्रिक कर्म कार्पासिक कर्म सूत्रवैकालिक कर्म भांडवैकालिक कर्म कोलालीय कर्म नरवाहनिक कर्म, बाकी बहुत सारे भी कर्मार्य है। अब शिल्पार्य के भी अनेक भेद है, तुन्नाग शिल्पार्य तंतुवाय शिल्पार्य पट्टकार देयड़ वरुट छर्विक काष्ट पादुकाकार मुंज पादुकाकार छत्रकार वज्रकार पुस्तककार लेप्यकार चित्रकार शंखकार दंतकार भांडकार झिझककार सेलकार कोटिकार। भाषार्य के कितने भेद, तो अर्धमागधी भाषा जो उससे बोल रहे हैं उनको भाषार्य कहा जाता है, उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तन होता है और ब्राह्मी लिपि का 18 प्रकार से लेख 18 प्रकार से ब्राह्मी लिपि का विधान कहा गया है। इस प्रकार से ब्राह्मी यवनानी दोसापुरिया खरोष्ट्री पुष्कर सारिका भोगवती पहराइया अंतरक्षरिका अक्षर पुष्टिका वैनयिकी निन्हविकी अंक लिपि गणित लिपि गांधर्व लिपि आदर्श लिपि माहेश्वरी लिपि डोम लिपि पौलिंदी लिपि आदि भाषा आर्य कहा गया है। अब ज्ञानार्य उसके 5 भेद, अभिनिबोधि ज्ञान। ज्ञानार्य के 5 ज्ञानार्य के भी 5 भेद है, अभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्यज्ञान आर्य केवल ज्ञान आर्य। मतलब जो आर्य पुरुष को जो ज्ञान होगा वो आर्य के नाम से जाना जाएगा। जो जिसको अभिनिबोधिक ज्ञान है उसको अभिनिबोधिक ज्ञान आर्य, समझ में आ रहा है, जो मनुष्य को है उसको। अब जो मनुष्य को श्रुत ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान आर्य कहा जाएगा, जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान आर्य, जिसको मन प्रयोग ज्ञान है उसको मन प्रयोग ज्ञान आर्य कहा जाता है और जिसको केवल ज्ञान है उसको केवल ज्ञान आर्य कहा जाता है। अब दर्शन आर्य उसके भी 2 भेद, सराग दर्शन आर्य वितराग दर्शन आर्य। जिनको राग सहित दर्शन है वो सराग दर्शन आर्य और जिनको वितरागी दर्शन है, जो भी केवल परमात्मा है केवल ज्ञानी जो सहयोगी केवली के रूप में भी घूमते हैं ना, उनको भी तो आर्य ही कहा जाएगा, आर्य मनुष्य ही कहा जाएगा ना जब तक मोक्ष नहीं गए वो, तो उनको वितराग दर्शन आर्य कहा जाता है। अब आओ आगे, सराग दर्शन है ना उसके 10 भेद। सराग दर्शन कौन से भेद है, मैं बोल रही हूँ निसर्ग रुचि दर्शन उपदेश रुचि दर्शन आज्ञा रुचि दर्शन श्रुत रुचि दर्शन बीज रुचि दर्शन अभिगम रुचि दर्शन विस्तार रुचि दर्शन क्रिया रुचि दर्शन संक्षेप रुचि दर्शन धर्म रुचि दर्शन। अगर आप दर्शन के अंदर किसी को रुचि लाते हो, निसर्ग रुचि लाओगे, किसी को उपदेश रुचि के लिए दर्शन समझाने की कोशिश करोगे,
किसी को आज्ञा करके दर्शन कराने की कोशिश करोगे, ये सारे सराग दर्शन है, क्योंकि वितराग दर्शन को तो किसी को कुछ नहीं कराना है। समझ में आ रही है मेरी बात? केवली भगवंत वितराग दर्शन है, उनको किसी को कुछ भी उपदेश नहीं देना है। वो देते हैं क्या? तीर्थंकर परमात्मा ही देंगे। केवल ज्ञानी, जब भी परमात्मा होते तब केवल ज्ञानी को जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब देंगे बस। तो ये सारे जो आप नीचे जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जो छद्मस्थ है, जो हम जिनको चौथ पूर्वी या ऐसे ऐसे ज्ञानी मानते हैं, वो उनको ये सराग दर्शन कहा जाते हैं, ये राग सहित दर्शन, क्योंकि अभी तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, बस उतना ही। ठीक है? हाँ, अब आगे जाएंगे। जिसने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर आदि स्वाभाविक मति के द्वारा सत्य रूप को जिसने जाना है, श्रद्धा की है, उसका नाम है निसर्ग रुचि। एक काम करते हैं, ये निसर्ग रुचि का जो भेद है वो हम कल लें, क्योंकि ये 10 है, उसमें हमको कहीं गड़बड़ी जल्दी जल्दी नहीं निपटाना है। या है 10 मिनट बोलो तो मैं ये निपटा लूं। 10 मिनट? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उनको निसर्ग रुचि कहा है, जिसने जीव अजीव जो नव तत्व का नैसर्गिक रास्ता जाना है, जीव के मामले में अजीव है क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जिसको जानना ही, ये कुदरत है जो निसर्ग है उसको जिसने जानना है, जिसने उसकी रुचि बताई, वो है निसर्ग रुचि दर्शन जीव। उसके बाद है, उसमें श्रद्धा करी है, क्योंकि श्रद्धा के बगैर तो होगा ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ कुछ न कुछ सम्यक दर्शन ही तो आएगा ही आएगा। सराग दर्शन में सम्यक दर्शनी को ही आना है, सम्यक दर्शन बगैर सराग दर्शन नहीं हो सकता। आगे जाओगे, जिसने जिन उपदिष्ट चार भाव, मतलब जिन उपदेश, जिन्होंने परमात्मा ने उपदेश किए हुए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये द्रव्य से ऐसा ही है, ये काल से ऐसा ही है, ऐसे प्रवचन रुचि को जाना है, ऐसे ऐसी भावों पे पहले तो श्रद्धा की है, उसको उपदेश रुचि। समझ में आया? ये बात समझ में आई? हम लोग ये सोचते हैं ना कि परमात्मा ने जो कहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आज आपको मैं एक उदाहरण दूंगी, तिथि को आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में जाना, उस दिन लेक्चर किसने सुना था? आपने जाना तिथि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तिथि कैसे बनती है, और आपने सिर्फ उसका उपदेश जाना। तो जाना तो आप यहाँ पे उपदेश रुचि दर्शन आर्य कहे जाओगे। समझ में आ रहा है? आंशिक तो बने ना? यस। अब आओ, क्योंकि आपने उस पे श्रद्धा की, और जो हेतु को जानने के बिना ऐसा ही है, ये अन्यथा नहीं है, ऐसे प्रवचन रुचि वाले हो, मतलब जो परमात्मा ने कहा है उसमें हमें कोई हेतु नहीं जानना है, भगवान ने कहा है तो ये सच्ची है, ये कारण हो तो ही सच, भगवान ने जो कहा है वो दिख नहीं रहा है, उसमें कोई कारण जो मिल रहे उसका जवाब नहीं मिल रहा है, ये हेतु उपलक्षित हो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले बहुत एग्जाम्पल दिए आपको, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बात है भगवान ने कहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप प्रवचन रुचि वाले नहीं हो। और जो भगवान ने कहा है हेतु, ये हेतु आपका पार हो रहा है, जो कह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, आप उस हेतु को मान रहे हो, तो आप परमात्मा के प्रवचन पद की रुचि वाले हो गए। बोलो, हुए कि नहीं? और प्रवचन पद की रुचि मतलब 20 स्थानक तप की आराधना। समझ में आया? और 20 स्थानक तप की आराधना तो एक सम्यक दृष्टि कर सकता है, और कोई कर सकता है? नहीं, तो ये सराग दर्शन ही हुआ। ठीक है, ठीक है। परमात्मा ने भी जब 25वें नंदन मुनि के भव में जो भी उन्होंने संयम का आचरण किया था, आपको ये शब्द आता है पता है, सराग से संयम आचरी वचमा एक देव का भव करी, याद आव्यू? आपने सात्र में बोलिए ना, सराग थी संयम आचरी वचमा एक देव नो भव करी, अने जारे 27 में भवे परमात्मा जारे जन्मे छे महावीर त्यारे उतरता 14 स्वप्न माता जुए छे, ऐसा आप सात्र में बोलते हो, बराबर?
तो सीधा आपको समझ में आ गया कि 25वां नंदन मुनि का भव सराग दर्शन का था, समझ में आ गया? सराग दर्शन ही सराग चारित्र था कि नहीं उनका? क्योंकि मोक्ष जाने की इच्छा बाकी है तो राग सहित ही दर्शन हुआ ना। हाँ, मोक्ष जाने की इच्छा अगर बाकी है तो वो दर्शन कैसा हुआ? राग सहित ही हुआ, वो दर्शन राग सहित हुआ। मुझे लग रहा है कि मैं इसको जल्दी से ना भगाऊं, ठीक है? शांति से करेंगे कल। ये दो ही हुआ है, अभी आगे बहुत है। अभी आपको दृष्टिवाद, अज्ञा रंग, पयन्ना, ये सब आप जान रहे हो, आगम जान रहे हो, आगम पढ़ रहे हो, उसके भी अलग 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 रुचि आएगी और दर्शन में बहुत सारी चीज आएगी। हम जल्दी से नहीं जाएंगे, अगले क्लास में दर्शन आर्य से वापस शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। तो अभी अगला क्लास तो सोमवार को ही होगा, ओके? सोमवार को आएगा होगा और आपको दर्शन आर्य से वापस पढ़ना है, ठीक है? हाँ, ના હજી તો નથી થયા, હજી નથી થયા, થશે એટલે હું એનાઉન્સ કરીશ। હજી એ લોકોનો ફોન નથી આવ્યો, જ્યારે થશે હું ત્યારે એનાઉન્સ કરીશ, બરાબર? હા, એ લોકોને જેટલા પેન્ડિંગ હશે એટલા તો એ લોકો પૂરા કરશે ને। હા, જેને જેને કહેવાઈ ગયું હોય તો એ લોકોને પહેલા પૂરા કરવા પડશે। હવે આવશે બીજી વાર ત્યારે વાત, હમણાં તો કઈ ફોન નથી આવ્યો। जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर अभी समाप्त हो रहा है, अगले अभी हम सोमवार को मिलेंगे और ये दर्शन आर्य आदि जो 10 भेद है वो हम फिर से अगले क्लास से करेंगे। जय जिनेंद्र।